हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी वेज रवा अप्पम या अप्पे की रेसिपी, जो बाहर से काफ़ी क्रिस्पी और अंदर से काफ़ी सॉफ्ट बने हैं। इन्हें आप नारियल की चटनी, टमाटो केचप या फिर हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हो। तो सुबह शाम के ब्रेकफास्ट के अलावा बच्चों को टिफिन बॉक्स में देने के लिए भी ये बिल्कुल परफेक्ट रहते हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। रेसिपी अगर पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। खाने में बहुत टेस्टी और बनाने में बहुत आसान इन इंस्टेंट वेज रवा अप्पम को बनाना। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में मैं डाल दूंगी ये एक कप रवा या सूजी, वजन में ये 200 ग्राम है। तो इसमें मैं डाल दूंगी एक छोटा चम्मच नमक। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी आधा कप फ्रेश दही। तो दही बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। तो पहले यहाँ पर इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो अब मैं इसमें धीरे धीरे पानी ऐड करूँगी और इसका एक बैटर बना लूँगी। तो इसमें मैंने आधा कप पानी डाल दिया है। तो अब हम यहाँ पर इस बैटर को ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे, ताकि जो सूजी है अच्छे से फूल जाए। जब तक बैटर रेस्ट करता है, तब तक आगे की तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ बारीक कटी हुई वेजिटेबल ली हैं। तो गैस पर मैंने एक पैन रखा है, इसमें मैं डाल दूंगी एक टेबल स्पून ऑयल। तो ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तो अब मैं यहाँ पर इसमें ऐड कर रही हूँ ये हाफ टी स्पून सरसों के दाने, हाफ टी स्पून मैं इसमें डाल दूंगी ये उड़द दाल, और हाफ टी स्पून ही मैं इसमें डाल दूंगी चने की दाल। साथ ही इसमें ऐड करूंगी एक पिंच हींग। तो इन सभी चीजों को यहाँ पर कुछ सेकंड तक लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। सभी चीजें अच्छे से यहाँ पर क्रैकल हो चुकी हैं। तो इसमें मैंने कुछ करी लीव्स डाल दिए हैं, इन्हें कुछ सेकंड तक सॉटे कर लेंगे। तो अब मैं यहाँ पर इसमें ऐड करूंगी ये एक छोटी बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को यहाँ पर एक मिनट तक सॉटे करेंगे। तो अब मैं यहाँ पर इसमें ऐड करूंगी ये एक चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक और एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च। दोनों को मिक्स करके प्याज के साथ एक मिनट के लिए और भून लेंगे। तो अब मैं इसमें कुछ वेजिटेबल ऐड करूंगी। तो मैंने यहाँ पर इसमें 2 टेबल स्पून बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 2 टेबल स्पून बारीक कटी हुई गाजर और 2 टेबल स्पून बारीक कटी हुई बीन्स डाल दी है। तो आप अपनी पसंद की और भी वेजिटेबल यहाँ पर ऐड कर सकते हो। मसालों में मैंने इसमें हाफ टी स्पून नमक, 1/4 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टी स्पून हल्दी पाउडर और 2 पिंच इसमें ब्लैक पेपर या काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है। मिक्स कर लेंगे और मसालों के साथ सब्जियों को 2 मिनट तक रोस्ट करेंगे। सब्जियां यहाँ पर हल्की सी सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो आगे भी हमें इन्हें बैटर के साथ कुक करना है। तो गैस का फ्लेम बंद करके इन्हें ठंडा होने देंगे। तो चलते हैं बैटर की तरफ। तो बैटर को रेस्ट करते हुए यहाँ पर 15 मिनट का समय हो चुका है और सूजी यहाँ पर अच्छे से फूल चुकी है। तो अब मैं यहाँ पर इसमें ऐड करूंगी वेजिटेबल, साथ ही इसमें ऐड करूंगी 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो अच्छे से पहले यहाँ पर इन सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे। तो ये बैटर अभी काफी गाढ़ा है, तो इसमें और पानी ऐड करेंगे। तो इन अप्पों का बैटर न ज्यादा गाढ़ा और ना ही ज्यादा पतला होना चाहिए। तो आधा कप पानी मैंने इसमें और डाला है। तो शुरू से अब तक टोटल 1 कप में से 1 चम्मच पानी ही यहाँ पर बचा है इस बैटर को तैयार करने में। तो अब मैं यहाँ पर इसमें ऐड करूंगी आधा चम्मच इनो। आप चाहो तो इसकी जगह सोडा भी डाल सकते हो। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो बैटर यहाँ पर बनकर तैयार है। गैस पर मैंने एक अप्पम या अप्पे का सांचा रखा है। तो इन सांचों में एक एक बूंद ऑयल डालेंगे और ऑयल को अच्छे से फैला लेंगे। तो ऑयल को यहाँ पर अच्छे से गर्म होने देंगे। तो उसके बाद कड़छी से मैं यहाँ पर बैटर को इस तरीके से फिल कर रही हूँ सांचों में। तो बीच बीच में मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट मोशन में भी कर रही हूँ, ताकि जो वीडियो है वो ज्यादा लंबी ना हो। तो सभी सांचों में मैंने यहाँ पर बैटर को फिल कर लिया है। गैस का फ्लेम लो रखेंगे और 2 से 3 मिनट तक इसे कवर करके कुक करेंगे। तो 3 मिनट बाद यहाँ पर मैं ढक्कन खोल लूंगी।
तो दूसरे साइड पलटने से पहले इनके ऊपर इस तरीके से थोड़ा ऑयल लगा लेंगे। तो अब मैं यहाँ पर इन्हें दूसरी साइड पलट लूँगी। तो दूसरी साइड से भी इन्हें लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक कुक करेंगे। तो लो फ्लेम पर ही हमें यहाँ पर इन्हें कुक करना है ताकि ये अंदर से बिल्कुल भी कच्चे ना रहें। तो ढक्कन लगाकर इन्हें कुक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ढक्कन खोल लिया है। तो दूसरी साइड से भी ये अब पे बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं। तो गैस का फ्लेम बंद करने के बाद इन्हें मैं यहाँ पर निकाल लूँगी इस प्लेट में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा फर्स्ट बैच इन अप्पम या अप्पों का तैयार हो चुका है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होने के साथ ही काफ़ी हेल्दी भी हैं। तो मैं यहाँ पर एक अप्पम को आपको तोड़कर दिखाती हूँ। तो अंदर से ये काफ़ी सॉफ्ट बने हैं और बाहर से क्रिस्पी हैं। तो यहाँ पर मैं इन्हें सर्व कर रही हूँ कोकोनट चटनी के साथ। तो आप भी इस तरीके से इन अप्पों की इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। मैं आशा करती हूँ मेरी आज की ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।